आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी न मिली हो। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत जब पूरी सेलेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो हम स्वयं भी एक बार अवलोकन जरूर करते हैं कि भाई इसमें बताओ क्या उत्तर प्रदेश के हर जनपद के युवा हैं या नहीं है। आज वह भी तस्वीर हम सबके सामने देखने को मिलती है, हर जनपद के युवाओं को उसमें स्थान मिलता है, बिना भेदभाव के मिलता है और सम्मानजनक ढंग से हर तबके का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के न केवल सरकारी नौकरी बल्कि आज निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी जिस स्थान को उसने आगे बढ़ाया है, करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली। कोविड कालखंड में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रोग्राम ने, परियोजना ने आने वाले हर कामगार और श्रमिक के हाथों को कार्य दिया था, उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया था। विपत्ति के समय भी, चुनौती के समय भी कैसे कार्य होता है, उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ था कि नहीं, हम करके दिखा सकते हैं, हम चुनौती का सामना हम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने मानक भी प्रस्तुत किए, कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया है। लेकिन इसके लिए प्रयास हुए, पुलिस की भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, यह उत्तर प्रदेश में हुआ। 1,64,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया, न परिवारवाद न जातिवाद। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारे परिवार का हिस्सा है और उसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में जगह मिलनी ही चाहिए, यह भी करके दिखाया गया। पुलिस रिफॉर्म हो, इसके लिए प्रयास किए गए, 7 पुलिस कमिश्नरेट यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, यह पहली बार देखने को मिल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में हर तहसील स्तर पर फायर टेंडर की स्थापना हो, यह कार्य भी हुए। पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, यह भी आप हर पुलिस लाइन में आप चले जाइए, हर थाने में आप चले जाइए, आपको पुलिस कार्मिकों के लिए अच्छे बैरक बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे या बन चुके हैं। साइबर थाना अपराध के बढ़ने के साथ फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हर रेंज स्तर पर और फिर हर जिले स्तर पर भी साइबर थाने की स्थापना हो, इस कार्यक्रम को भी बढ़ाया गया। हर रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना हो, उत्तर प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया जा सके, इसको 3 गुना भी इस दौरान हम लोगों ने करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में अपना स्वयं का साइबर और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हो, उसकी स्थापना भी लखनऊ में हो रही है और इसी सत्र में हम उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में SDRF का गठन हो, जो किसी भी आपदा के दौरान उत्तर प्रदेश वासियों की सहायता करने के लिए और अगल बगल के राज्यों में भी दुर्भाग्य से अगर कोई दैवीय आपदा आती है उस आपदा के दौरान सहयोग कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर उसके लिए भी 3 बटालियन का गठन हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।